दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों हम आप लोगों को क्लास 12th यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा रहे थे इंग्लिश ग्रामर में। दोस्तों आज हमारा टॉपिक रहेगा इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंसेस। यानी कि दोस्तों पहले हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना सीखेंगे दोस्तों, फिर हम असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलना सीखेंगे दोस्तों। तो आज हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना सीख रहे हैं दोस्तों। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना सीख रहे हैं दोस्तों। हमारा रूल नंबर 1 है दोस्तों, इसके ज़्यादा नियम नहीं है, ओनली 2 और 3 नियम हैं दोस्तों। दोस्तों पहला नियम है, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भोटे प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन आती है और हाउ के बाद दोस्तों हाउ प्लस एडजेक्टिव आता है। दोस्तों पहला नियम है, यदि सेंटेंस भाट से शुरू हुआ है और भाट के बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन आया है और हाउ के बाद एडजेक्टिव आया है ओनली, तो दोस्तों आपको क्या करना है, भाट को और हाउ को बेरी में बदल देते हैं दोस्तों। काय बदल देते हैं दोस्तों, बेरी में, काय में, बेरी में। और दोस्तों हाउ और भाटे का अर्थ होता है कितना, कितनी और कितने, कितना, कितनी, कितने। दोस्तों ये आपका हाउ और भाटे का अर्थ होता है कितना, कितनी, कितने। और दोस्तों जब भाटे के बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन आ जाए तो भाट को बेरी में चेंज करते हैं, और यदि हाउ के बाद एडजेक्टिव आए तो हाउ को आप बेरी में चेंज करते हैं। दोस्तों हमारा एग्जाम्पल है, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज। दोस्तों ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। दोस्तों पता कैसे चले हमें कि ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, तो दोस्तों ये सेंटेंस भाटे से शुरू हो चुका है और हमने देखा भाटे के बाद एडजेक्टिव आई है, फिर नाउन आया है दोस्तों आपका, और पीछे देखा है मैंने कि एक्सक्लेमेटरी मार्क है। दोस्तों हम समझ गए हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब दोस्तों हमें इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर, पहले व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज। तो दोस्तों हम इस सेंटेंस की यदि हम हिंदी निकालें, पहले नंबर तो हमें पहचान आनी चाहिए कि ये सेंटेंस जो लिखा है क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या नहीं। तो दोस्तों भाटे के बाद आपका एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव के बाद दोस्तों आपका नाउन आया, क्या आया दोस्तों, नाउन आया। फिर दोस्तों इसके बाद जी आपका सब्जेक्ट है द ताज और फिर इज हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों आपने पीछे देखा एक्सक्लेमेटरी मार्क आ चुका है। तो दोस्तों इस भाटे की हिंदी कितना, कितनी, कितने निकलती है दोस्तों, कितनी सुंदर इमारत ताज है, कितनी सुंदर इमारत ताज है। यानी कि ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स होता है दोस्तों विस्मयबोधक वाक्य या फिर बोले तो हम आश्चर्यजनक वाक्य। इन सेंटेंसों से हम आश्चर्य करते हैं दोस्तों, कैसे, कितनी सुंदर इमारत ताज है। तो दोस्तों इस तरीके से पता चल गया कि ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जब आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो हमें इसको असर्टिव में बदलना है, तो आपको इस फॉर्मूले का फॉलो करना है, इस फॉर्मूले को, कैसे, भोटे प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, आपको एडजेक्टिव छोड़ देना है
और आपको नाउन छोड़ देना है, फिर आपको पीछे से सब्जेक्ट उठा लाना है दोस्तों। तो द ताज का, द ताज, इज का दोस्तों इज रहेगा। अब दोस्तों आगे से पूरा सेंटेंस इधर तक पूरा लिख जाएगा इधर पर। तो दोस्तों भाटिए को हम काय में बदलेंगे, भाटिए को नहीं दोस्तों, ओनली भाट को बदलेंगे बेरी में। द ताज इज ए दोस्तों आपका सुरक्षित रहेगा, ऐसा द ताज इज ए बेरी। भाट को दोस्तों हमने बेरी बदल दिया। अब दोस्तों लिखते हैं ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ब्यूटीफुल बिल्डिंग। बस दोस्तों आपका असर्टिव सेंटेंस बन चुका है, यानी कि द ताज आपने पीछे से उठाया, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ए आपका ए है, और भॉट को दोस्तों आपने बेरी बदला, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल, बिल्डिंग का बिल्डिंग। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं, एक हाउ वाला सेंटेंस देखते हैं। हाउ फियरफुल द स्नैक इज, हाउ फियरफुल द स्नैक इज, हाउ फियरफुल द स्नैक इज, कितना भयानक सांप है, कितना भयानक सांप है। दोस्तों इस सेंटेंस में हम व्हाट से या हाउ से क्या करते हैं, आश्चर्य करते हैं दोस्तों। तो कितना भयानक सांप है दोस्तों, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आपको असर्टिव में चेंज करना है दोस्तों, कैसे करेंगे, हाउ के बाद आपको एडजेक्टिव छोड़ना है, ओनली हाउ के बाद एडजेक्टिव छोड़ दें। अब क्या है, द स्नैक इज, इसको आगे लाए, द स्नैक इज, द स्नैक इज। दोस्तों अब हाउ को बदलना है बेरी में, तो बेरी फियरफुल, फुल स्टॉप। दोस्तों हम इसका अर्थ बता दें आपको, कितना भयानक सांप है, हम कह रहे हैं द स्नैक इज वेरी फियरफुल, सांप बहुत भयानक है, सांप बहुत भयानक है। ठीक है दोस्तों, आपको पहला नियम समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम अब आगे की ओर चलते हैं, रूल नंबर सेकंड। कौन सा दोस्तों, रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड दोस्तों बिल्कुल सरल है। दोस्तों रूल नंबर सेकंड है जो आपका, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ओ या ओ है, ओ आ जाए दोस्तों, ओ है आ जाए, या एफ आ जाए, या बुड आ जाए दोस्तों, क्या जाए, बुड, क्या जाए दोस्तों, बुड से शुरू हो। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ओ या ओ है या एफ या बुड आदि से शुरू हो, तो असर्टिव सेंटेंस बनाते समय क्या दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस शुरू हो तो असर्टिव सेंटेंस बनाते समय, असर्टिव सेंटेंस बनाते समय इन सभी को आई विश दैट में बदल देते हैं। क्या है बदल देते हैं दोस्तों, आई विश दैट में, या फिर ओ आ जाए, या ओ है आ जाए, या इफ आ जाए, या बुड आ जाए, या फिर दोस्तों इसके साथ क्या हो जाता है, ओ दैट आ जाए, या ओ दैट आ जाए, इफ ओनली आया, इफ आया दोस्तों, या फिर दोस्तों इफ ओनली आ जाए, तो दोस्तों इफ, या फिर हम बोले इसको इफ ओनली, क्या दोस्तों, इफ ओनली आया दोस्तों, तो आपको क्या करना है,
या वुड दैट आ जाए आदि से शुरू हो जाए, तो असर्टिव सेंटेंस बनाते समय इन सभी को आई विश दैट में चेंज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। सेंटेंस लिखा है इफ ओनली आई कुड सी माई मदर नाउ, इफ ओनली आई कुड सी माई मदर नाउ। अब दोस्तों हमें इसका असर्टिव सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों? असर्टिव सेंटेंस। तो यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ओ है या इफ ओनली या वुड से शुरू हो जाए, तो आपका इफ ओनली से शुरू हो चुका है दोस्तों सेंटेंस, तो आपको इफ ओनली को काय में बदल देना है। तो असर्टिव बनाते समय इन सभी को आई विश दैट में बदल देना। तो इफ ओनली काय में बदल देंगे दोस्तों? आई विश दैट में। काय में दोस्तों? आई विश दैट में बदल देते हैं, आई विश दैट। और दोस्तों आगे का सेंटेंस पूरा उतार देते हैं। तो आई कुड सी माई मदर, सी माई मदर नाउ। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको सेंटेंस बना देना है, आई विश दैट में बदल देना है आपको, चाहे इफ ओनली आ जाए, चाहे ओ आ जाए, चाहे इफ आ जाए, चाहे ओ आ जाए, चाहे वुड आ जाए, इन सभी को आई विश दैट में चेंज कर देना है और आगे का सेंटेंस उतार देना है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों और देखते हैं हम आगे एक एग्जाम्पल हो और लिखा है जैसे ओ दैट आई वर ए बर्ड, ओ दैट आई वर ए बर्ड। दोस्तों असर्टिव बनाना है हमें, तो चाहे ओ आ जाए दोस्तों, क्या आ जाए? ओ आ जाए, या ओ दैट आ जाए, या ओहे आ जाए, या ओहे दैट आ जाए, या इफ आ जाए, चाहे इफ ओनली आ जाए, या वुड आ जाए, या वुड दैट आ जाए, आदि से शुरू होते हैं जब वाक्य एक्सक्लेमेटरी, तो असर्टिव बनाते समय इन सभी को आई विश दैट में चेंज कर देना है। तो ओ दैट से शुरू हो गया सेंटेंस, तो हमें इसको आई विश दैट में चेंज कर देते हैं। आई विश दैट और सेंटेंस पूरा आई वर ए बर्ड। बस दोस्तों आपने सेकंड नियम भी सीख लिया है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाना आपने सीख लिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं और मैं आशा करता हूँ कि सभी लोगों को समझ में आ रहे होंगे और हमारे साथ जैसे हम लिखते जा रहे हैं इसी तरीके से आप भी लिखते चलें दोस्तों। दोस्तों हम तीसरे नियम पर चलते हैं, इसी तरीके से हम सरल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल ईजी तरीके से। दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस हम बनाना सीख रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए तीन नियम हैं दोस्तों आपके पास। इन तीन नियम में से मैंने आपको अभी हाल दो नियम पढ़ा दिए हैं, तीसरा नियम मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ दोस्तों। तीसरा नियम है जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आदि से शुरू हो। कैसा दोस्तों? आदि का मतलब यदि सेंटेंस आपका एलास से शुरू हो जाए, तो एलास को चेंज कर देना है। इट इज मैटर ऑफ सोरो दैट। क्या दोस्तों? इट इज मैटर ऑफ सोरो दैट। इसी तरीके से दोस्तों यदि वाक्य में हुर्रे आ जाए दोस्तों, क्या आ जाए दोस्तों? हुर्रे शब्द आ जाए तो हुर्रे को चेंज कर देना है।==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 
इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट, क्या दोस्तों, इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट। और दोस्तों एक और है, ब्रेबू आ जाए दोस्तों, क्या आ जाए, ब्रेबू, ब्रेबू आ जाए दोस्तों, ब्रेबू को काय में चेंज करना है, इट इज मैटर ऑफ, इट इज मैटर ऑफ प्रीज दैट, क्या दोस्तों, इट इज मैटर ऑफ प्रीज दैट में आपको चेंज कर देना है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एलास से शुरू हो जाए, हुर्रे से शुरू हो जाए, ब्रेवो से शुरू हो जाए, तब हमें असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना है, एलास से दोस्तों हम दुख व्यक्त करते हैं, क्या व्यक्त करते हैं दोस्तों, दुख की घटनाएं घटती हैं इससे, तब हम एलास शब्द लिखते हैं दुख व्यक्त करने के लिए। जब आप, जब एलास आ जाए तो इट इज मैटर ऑफ सॉरो दैट, कि यानी कि दुख का मामला है दैट की, इस तरीके से। हुर्रे से दोस्तों हम प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, प्रसन्नता, हुर्रे शब्द, शब्द से हम प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। लिखा है इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट, जब अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुर्रे से शुरू हो जाए तो हुर्रे को चेंज कर देते हैं, इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट, यानी यह प्रसन्नता का मामला है दैट की, या फिर आनंद का मामला है। फिर दोस्तों आपका है ब्रेबो, ब्रेबो से दोस्तों शाबाशी दी जाती है, क्या दी जाती है दोस्तों, शाबाशी दी जाती है, ब्रेबो से दोस्तों हम शाबाशी देते हैं। लिखा है इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट, यानी इससे हम शाबाशी देते हैं कि, यानी कि प्रेज मीन्स होता है किसी की प्रशंसा करना, प्रशंसा का मामला है दैट की। फिर आगे सेंटेंस से लिखते हैं दोस्तों, तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एलास से शुरू हो जाए तो इसको, एलास शब्द को इसमें चेंज कर देना, इट इज मैटर ऑफ सॉरो दैट में, यदि हुर्रे से शुरू हो जाए तो इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट में चेंज कर देना दोस्तों, यदि दोस्तों ब्रेवो से शुरू हो जाए तो इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट में चेंज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, इसका एग्जाम्पल है आपका एलास दुख है, सी डाइड सो यंग, सी डाइड सो यंग, फुल स्टॉप दोस्तों, एला सी डाइड सो यंग। अब दोस्तों हमें असर्टिव बनाना है दोस्तों, इसका अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है आपको, ओनली आपको तो ये देखना है कि एला शब्द आ चुका है तो एलास को काय में चेंज करना, इट इज मैटर ऑफ सोरो, सोरो मीन्स होता है दोस्तों दुख, यानी कि दुख का मामला है, तो यानी कि इट इज मैटर ऑफ सोरो दैट, दोस्तों दैट के बाद सेंटेंस पूरा उतार देना है, सी डाइड सोयम, सी डाइड सोयम। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा, एला शब्द को बदल देना है इट इज मैटर ऑफ सोरो दैट में, और पूरा सेंटेंस दोस्तों आपको उतार देना है, समझ जाएंगे कि असर्टिव बन गया है आपका दोस्तों। और देखें एग्जाम्पल, हुर्रे माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, हुर्रे हुर्रे, दोस्तों आपने हुर्रे शब्द सुना होगा कई बार, हुर्रे को दोस्तों हम होई रे बोलते हैं, क्या बोल दोस्तों, होई रे। जैसे कि मान लो कि अपन लोग कोई खेल खेलते हैं तो हम बहुत बार जीत जाते हैं, जब हम जीतते हैं तो हमारी सारी टीम हुर्रे शब्द बोलती है कि हुर्रे हम जीत चुके हैं, तो इस तरीके से दोस्तों हम हुर्रे शब्द से प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, हुर्रे माई ओल्ड फ्रेंड, माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, इसी तरीके से दोस्तों हुर्रे शब्द आ गया है। अब हमें असर्टिव में चेंज करना है तो हुर्रे को चेंज करेंगे, इट इज मैटर ऑफ
जॉय दैट, क्या दोस्तों जॉय दैट में चेंज करते हैं, इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट, सुख का मामला है या प्रसन्नता का मामला है, दैट की माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम, मेरा पुराना मित्र, माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम, मेरा पुराना मित्र आ चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने बनाया है। दोस्तों एक और देख लीजिए ब्रेवो का, ब्रेवो वाला, ब्रेवो यू हैव डन वेल, ब्रेवो यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल। तो दोस्तों ब्रेवो शब्द से हम शाबाशी देते हैं, क्या देते हैं दोस्तों शाबाशी। दोस्तों हम कैसे देंगे, तो इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट, इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट। अब दोस्तों क्या करना है, इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट लिख देना है ब्रेवो को बदल करके, और पूरा सेंटेंस उतार देना है, यू हैव डन वेल। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से हमने आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस को चेंज करना सिखा दिया है। अब दोस्तों क्या होना है, अभी हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना सीखा है बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों, अब हमें इन्हीं नियमों को उल्टा कर देना है। क्या कर देना है दोस्तों, उल्टा कर देना है, तो बस अब आपके असर्टिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना सीखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। अभी तो आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना सीखा है दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे आप लोगों को। हम दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम आपको एग्जाम्पल से ही समझाएंगे, क्या दोस्तों एग्जाम्पल से ही समझाएंगे, जितने हमने नियम पढ़े हैं इन सारे नियमों को आपको उल्टा करना है। क्या करना है दोस्तों, उल्टा करना है आपको सारे नियमों को। दोस्तों अब हमें क्या करना है, असर्टिव सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी में बदलना या चेंज करना दोस्तों। तो अब आपको असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलना है। तो दोस्तों हमने अभी जितने नियम पढ़े हैं उन सारे नियमों को हमें क्या करना है, उल्टा करना है। तो दोस्तों पहला एग्जाम्पल है आपका, द म्यूजिक इज वेरी स्वीट। तो दोस्तों हमें इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलना है, जी अभी असर्टिव सेंटेंस है दोस्तों। क्या है दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस, ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, इस असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में बदलना है। क्या बदलना है दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी। अब पता कैसे चले कि हमें कैसा क्या करना है, तो दोस्तों हमने तीन नियम पढ़े हैं। पहला नियम पढ़ा था कि भाट ए के बाद एडजेक्टिव आ जाए या नाउन आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए और प्लस में नाउन आ जाती है, और हाउ के बाद एडजेक्टिव आती है ओनली, तब अपन भाट और हाउ को बेरी में बदलते थे। क्या बदलते थे दोस्तों, बेरी में। तो हमने देखा यहाँ पर बेरी लिखा है,
वेरी के बाद कितना शब्द लिखा, एक शब्द, यानी कि एडजेक्टिव है ये, स्वीट किसी की एडजेक्टिव है, यानी किसी की विशेषता बता रही है दोस्तों, स्वीट शब्द। तो दोस्तों जे बेरी शब्द लिखा है, जे एडजेक्टिव लिखा है, तो हम समझ सकते हैं कि बेरी के बाद एक शब्द लिखा है यानी एडजेक्टिव लिखा है ओनली, तो बेरी को बदलना है हाउ में। कैसा दोस्तों, हाउ में, सिंपल लैंग्वेज में समझिए, यदि बेरी के बाद एक शब्द लिखा है तो आपको हाउ में बदलना है, क्या बदलना है, हाउ। बेरी को क्या बदलना है, हाउ, और स्वीट का स्वीट, हाउ स्वीट, और आगे का सेंटेंस पीछे, हाउ स्वीट द म्यूजिक इज। और दोस्तों पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क, यानी कह रहे हैं संगीत बहुत मीठा है, संगीत बहुत मीठा है, यह बहुत सुंदर है, ऐसे ही बोल सकते हैं, संगीत बहुत मीठा है। हम कह रहे हैं कितना मीठा संगीत है, कितना मीठा संगीत है, ठीक है ना दोस्तों। अब हम और आगे देखते हैं दोस्तों, हम एग्जाम्पल से ही समझ रहे हैं, हमने जो जितने नियम पढ़े थे एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में चेंज करना, उन सारे नियमों को उल्टा कर देना है दोस्तों। अब क्या कर देना है, उल्टा लिखा है, आई विश दैट स्प्रिंग वर इटरनल, स्प्रिंग बर इटरनल। अब दोस्तों हम देखते हैं कि आपके पास आई विश दैट आ गया, क्या गया दोस्तों, आई विश दैट आ गया। जब आपके पास आई विश दैट आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से शब्द को आई विश दैट में आप चेंज कर रहे थे। दोस्तों हम बता दें, इफ़ को ओ को कर रहे थे, ओह को कर रहे थे, इफ़ को कर रहे थे, इफ़ ओनली को कर रहे थे, वुड को कर रहे थे आई विश दैट में। तो अब आई विश दैट को किसी एक में चेंज कर दो दोस्तों। आप आई विश दैट लिखा है तो किसी एक में चेंज किए दे रहे हैं, हम काय में किए दे रहे हैं, वुड दैट में, काय में दोस्तों, वुड दैट में हम चेंज किए दे रहे हैं। आई विश दैट को वुड दैट में चेंज कर दीजिए और पीछे का सेंटेंस पूरा लिख दीजिए, स्प्रिंग बर इटरनल, और पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क, स्प्रिंग बर इटरनल। बस दोस्तों आपका बन गया ये सेंटेंस। दोस्तों एक और देखिए, लिखा है एलास माई मदर हैज डाइड। एलास में तो दोस्तों आपको बनाना है, दोस्तों सेंटेंस है आपका, It is said that my mother has died। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इसमें लिखा है it is said that my mother has died, दुख है दैट की माय मदर हैज डाइड, मेरी माताजी मर चुकी हैं। दोस्तों इसमें क्या है, हमने आपको बताया था कि यदि एलास आ जाए तो इट इज मैटर ऑफ सोरो दैट में बदलते हैं, लेकिन दोस्तों अब इट इज मैटर ऑफ सोरो दैट की जगह पर आ गया इट इज सैड दैट। दोस्तों घबराने की बात नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए कि जो शब्द लिखा है इट इज सैड दैट, क्या ये दुख व्यक्त कर रहा है कि नहीं। यदि ये दुख व्यक्त कर रहा है तो इसको एलास में चेंज कीजिए, अगर प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है तो हुर्रे में चेंज कीजिए, अगर शाबाशी दे रहा है, अगर ये शब्द शाबाशी दे रहे हैं तो ब्रेव में चेंज कीजिए। दोस्तों ये दुख व्यक्त कर रहे हैं, इट इज सैड दैट, दुख है दैट की माई मदर हैज डाइड, मेरी माता जी मर चुकी हैं। तो दोस्तों हम जब एक्सक्लेमेटरी बनाएंगे, ये दुख व्यक्त कर रहे हैं ये शब्द, तो हम इसको एलास में चेंज करेंगे और इसके तुरंत बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे, एलास दुख है कि माई मदर हैज डाइड, माई मदर हैज डाइड कि मेरी माताजी मर चुकी हैं।
बस दोस्तों आपका टॉपिक खत्म होता है। हमने सबसे पहले आपको एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस सिखाया दोस्तों, फिर दोस्तों मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलना सिखाया है। ठीक है दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाने के लिए दोस्तों तीन नियम है। पहला नियम है हाउ और भाटे वाला, दूसरा नियम है ओ ओह दैट या एफ ओनली या बट दैट को आई विश दैट में चेंज कर देते हैं, और तीसरा नियम है दोस्तों यदि एलासा या तो इट इज मैटर ऑफ सोरो दैट, अगर हुर्रे आ जाए तो इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट, और यदि ब्रेवो आ जाए तो इट इज मैटर ऑफ प्रीज दैट में चेंज कर देते हैं। इन्हीं नियमों को दोस्तों उल्टा कर दो तो असर्टिव से क्या बन जाते हैं दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी। ठीक ना दोस्तों? दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आपको हमारी क्लास यदि दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम की बारी सागर को यदि सब्सक्राइब ना किया है दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, और यूपी बोर्ड परीक्षा क्लास 12th की ग्रामर सीखने के लिए दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। पेपरों से पहले ही दोस्तों हम अपनी ग्रामर कंप्लीट कर लेंगे और आपके पेपर में पूरी ग्रामर आएगी।